बॉडी बॉडी नाल स्टेप बाय स्टेप यार इधर करो ये लमा के ताड़ को बदल ले अभी ईद आ गई है चलो तैयारी करते हैं। Hey, what's up YouTube? Assalamualaikum. This is your boy Huzaifa and welcome to another vlog. तो सॉरी अगर मैं आपको मैसी लग रहा हूँ, मैसी लगने का राज ये है ना कि गर्मी है पिशावर में और 45 डिग्री से कम जाती नहीं है, तो ये है फिर आज की सूरत हाल। अच्छा अब सीन ये है कि ईद आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और हम लोग जा रहे हैं गाय मंडी गाय लेने के लिए, क्योंकि ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है और गायें लेना लाजमी है अगर इस्तेदाद है तो। तो अभी हम वेट कर रहे हैं भाई का, वो ला रहे हैं गाड़ी पार्किंग से, ठीक है, और हम उसके इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब लाते हैं और दिखा दो कौन कौन है मेरे साथ, आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता दिखा दूँगा कौन कौन है। तो गर्मी बड़ी ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं, तो चलो गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, वो आता है तो फिर जाते हैं गायें और लेते हैं अपनी खूबसूरत सी गायें। साथ में ज्वाइन किए हुए हैं दानियाल, इसको अगर आपने स्विमिंग डॉग में मेरे देखा हुआ, स्विमिंग डॉग में ये मेरे साथ था, तो ये मिस्टर दानियाल। दानियाल अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप भाई हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए बस जा रहे हैं, हम लोग मंडी जा रहे हैं पानी के लिए, जानवर देखने के लिए, आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह अच्छा जानवर मिल जाए, सस्ता मिल जाए, अच्छा रेट बहुत हाई है, गर्मी भी है, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी बस जा रहे हैं इंशाल्लाह, बस गाँव में याद रखें पेशावर की सबसे बड़ी मंडी है, उसके बाद नाम है। अच्छा चलो लेट्स प्ले, अल्लाह से दुआ करते हैं खैर से जानवर मिल जाए और अल्लाह कुर्बानी कबूल करे हमारी। तो लेट्स गो, वो लोग उतर गए और हम लोग पार्किंग ढूंढने जा रहे हैं। हम का मतलब है मेरे साथ हैं आकिब भाई, वो अभी गाड़ी चला रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते उनको, पार्किंग ढूंढने जा रहे हैं। तो ये है गाड़ी छोड़ी कड़ी में, चलो कोई अच्छी पार्किंग देखते हैं और उसको कड़ी करते हैं, ओपन को ज्वाइन करते हैं। तो पहुंच गए मंडी और अभी गाय शायद देखते हैं और अभी तो स्टार्टिंग है, देखते हैं अगर डायरेक्ट पसंद आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो अब मैं आपको गाय शायद दिखाता हूँ यहाँ पर गायें कैसी हैं कैसी नहीं होती। गाय तो ऐसी होती है जैसे उसका चेहरा होता है, लेकिन फिर भी लेट मी शो यू इन अ प्रॉपर वे। चलो ये तो माशाल्लाह प्यारी है, लेकिन ये है कि रेट बहुत ज़्यादा कह रहे हो, रेट के हिसाब से कम नहीं है ये वाली है, रेट के हिसाब से मतलब क्या रेट ज़्यादा है इसका? बहुत ज़्यादा है और रेट के हिसाब से बहुत कमज़ोर है। हाँ ये अगर अच्छे रेट पे दे तो फिर तकरीबन दो तक ठीक है ये। अच्छा चलो, बहुत वो है कमज़ोर थी पीछे से। चलो अभी आगे देखते हैं, एक्सप्लोर करते कोई अच्छा सा। हम सब जा रहे हैं दानियाल, हमारे सदर साहब, हमारे अबू जान, आकिब भाई, साकिब खान। तो गर्मी बहुत है, अब एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सदर साहब कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और गर्मी है कि नहीं? गर्मी तो है, गर्मी बहुत है, तो बहुत गर्मी है। तो चलो शाम का टाइम है, मौसम ठंडा है, हाँ और आशा है, हवा भी चल रही है, चलो आ रहा है, चलो देख रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ तो ये है काला मंडी की सबसे महंगी गाय, इसकी वर्थ पता है आपको कितनी हो सकती है? नहीं ना, मैं बताता हूँ, इसकी वर्थ है 12 लाख रुपीस। मैन आई वॉज रियली शॉक्ड जब मैंने इसकी कीमत सुनी थी, लेकिन जस्टिफाई करता था, माशाल्लाह बहुत बड़ा था।
यार मैंने सुना था सिर्फ इंसान ही सुस्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये गाय साहब इतने आराम से सोए हुए हैं जैसे कोई टेंशन नहीं कुर्बानी की। चलो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता, आराम से सोने देता हूँ। टाटा। अच्छा यार बहुत रश है और गायों के बिल्कुल बीच में जाना होता है और हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आप देखो ये इतना सा रास्ता है, इसकी स्ट्रेट में जाना होता है और हमें अपनी ज़िंदगी बड़ी अजीज़ है क्योंकि इनका कुछ पता नहीं लगता भाई मेरे, कभी भी हमें उधर पहुंचा सकते हैं। तो सब लोग फैमिली लोग गए हैं, भाई लोग ना और फादर लोग, वो डिसाइड करते हैं और आगे क्या होता है। इस तरह रास्ता होता है और इसके इस तरह रास्ते में मैं नहीं जा सकता क्योंकि आई एम सॉरी डूड, हमसे नहीं हो पाएगा, ये लोग आ रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम। हेलो यार ये भाई साहब मुझसे मुंह ऐसे चुका रहे थे जैसे ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जब उधर जाता तो उधर कर देते थे मुँह। यार हद है वैसे, ऐसा कोई नहीं करता। बकरी साहब साकिब मैम ये चॉइस कर रहे हैं, साकिब खान अगर पर गए ना प्यार करना प्यार से। हाँ जी, तो कल काला मंडी में हमें कोई इतना ख़ास जानवर मिला नहीं है और जो पसंद आ रहे थे वो हमारे एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा थे और उनकी जितनी वर्थ नहीं थी। तो अभी हम नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और उसी को कंटिन्यू किया मैंने। तो अभी हम दोबारा घर से निकल रहे हैं किसी और मंडी की तरफ और अब देखते हैं कि अब उधर कोई एक्सपेक्टेशन के साथ कोई अच्छा जानवर मिल जाए। तो चलो अब जाते हैं और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आज फाइनली मिले, क्योंकि अगर आज नहीं लोकल रात भी हो गई थी क्योंकि मैंने शूट भी किया नहीं था क्योंकि यार अंधेरा हो गया था तो फिर मसला करता है ना लाइटिंग का जो इशू होता है। तो चलो अब जाते हैं और अपने एक्सपेक्टेशन के साथ और अपने पसंद का जानवर लेते हैं। सो लेट्स गो। ये है रिंग रोड की मंडी, दिखाता हूँ आपको, अंदर लेके जाता हूँ और वही कल के लोग हैं मेरे साथ। तो चलो अंदर जाते हैं और दिखाता हूँ आपको कि होप सो कुछ मिल जाए अच्छा सा। जी तो ले लिया फाइनली और खैर से ये जो दो आप देख रहे हो ये हमने ले लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं इनको, हैप्पी। तो चलो इनको एक बार हाय बोल देते हैं, वेलकम ये दो, वेलकम टू आवर फैमिली फॉर जस्ट 3 or 4 days। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी तो उतार दिए हमने और अभी घर की तरफ जा रहे हैं ये है और माशाल्लाह। बाय द वे हाँ एक और बात है, ये लड़कियाँ गर्ल्स हैं, वुमेन पावर, ये लड़कियाँ
और टू गर्ल्स और हसीन लड़के हसीन लोगों के पास, क्या बात है। तो ये है फिलहाल वंस अगेन, और चलो चलो अब जाते हैं घर की तरफ और इनको खाना शाना देते हैं, पानी शानी पिलाते हैं और इनके साथ फिर धूप का मौज है, फिर मस्तियाँ करते हैं। चलो लेट्स गो।